रक्षाबंधन पर्व एक ऐसा पर्व है जो हम लोग भी मनाते हैं। अपने हिंदुस्तान के अंदर चार प्रमुख त्योहार हैं। आप लोगों ने स्कूल की एजुकेशन के लिए भी समझा है। तो एक निबंध आता था भारत के प्रमुख त्योहार, उसमें आता भारत त्योहार प्रधान देश है, फिर भी इसके चार त्योहार प्रमुख है। कौन कौन से ये तो याद होगा ना, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। दीपावली, रक्षाबंधन और दो होली दशहरा। इन चार पर्वों में से वास्तव में जो जैन दर्शन के जो पर्व है वो दो ही है, दो पर्व अपने नहीं है। अपन मनाने लगते हैं बात अलग है, लेकिन उन पर्वों का अपने धर्म से कोई संबंध नहीं है। माने वो वास्तव में जैनियों के पर्व ही नहीं है, बल्कि जैन मान्यता के विपरीत है। चलो जैनियों के नहीं हो, लेकिन जैन मान्यता के विपरीत नहीं हो तो भी चलो, लास्ट भक्ति वाले भी बहुत सारे पर्व होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी। लेकिन वो ऐसे पर्व हैं कि जो राष्ट्रभक्ति तो दूर, बल्कि जो जैन धर्म की मूल मान्यता है वो उसके विपरीत है। और इसीलिए अपने वो पर्व नहीं है, लेकिन अपन मनाने लग गए। कौन कौन से वो दो पर्व? दशहरा और होली। और ये है भी अपन लोगों के पर्व में। देखो ये चार वर्ण होते हैं ना, आजीविका के हिसाब से चार वर्ण निश्चित किए गए। कौन कौन से? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। और इसी वर्णों की व्यवस्था के हिसाब से ये चार पर्व है। क्षत्रियों का पर्व कौन सा है? दशहरा। शूद्रों का पर्व? होली। ब्राह्मणों का पर्व? राखी। ब्राह्मणों का राखी है। और वैश्यों का रक्षाबंधन, दीपावली। ये चार वर्ण के चार त्योहार है। आप देखो उसमें मुख्यता भी उन्हीं की है। होली शूद्रों का ही पर्व है, सारे शूद्र बाहर निकल जाएंगे। और ये जो दशहरा है ये क्षत्रियों का है, सारे हथियार बाहर निकल जाएंगे, सारे अखाड़े बाहर निकल जाएंगे, सारे के सारे उनकी साफ सफाई होगी, उनकी पूजा होगी, सारे जो है क्षत्रिय है उनका सारा जो है अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन होगा। और ये जो दीपावली है इसका पूरा वैश्यों से संबंध है, बिजनेस का सीजन ही उनका 12 महीने का से समय चलता, साल भर की कसर उसी समय निकाला। और ये ब्राह्मणों का मूल था क्या? इस प्रकार से चार वर्णों के चार पर्व है। अब यूं तो देखा जाए तो धार्मिक पर्व जो है जिनका जैन धर्म से संबंध है वो दो ही पर्व है, एक दीपावली और एक रक्षाबंधन। दीपावली पर क्या हुआ था? भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था, इसलिए हम दीपावली मनाते। वास्तव में उसका नाम वीर निर्वाण उत्सव पर्व है और अपन उसको जो भी नाम देते हैं, लेकिन उसका मूल नाम तो वीर निर्वाण उत्सव। और आज के पर्व का नाम है, आज के कल जो भी है, रक्षाबंधन। जिस दिन ये रक्षाबंधन पर्व है ना, इसका नाम रक्षाबंधन पर्व क्यों पड़ा? 700 मंदिर आज की रक्षा होगी तो रक्षा से हो गया संबंध, बंधन नाम क्यों पड़ा? रक्षा हुई थी कि बंधन हुआ था? तो बंधन भी हुआ था, बलि का बंधन हुआ था और मुनिराजों की रक्षा हुई थी, इसलिए इसका पूरा नाम है रक्षाबंधन। अथवा यूं विचार कर सकते कर्म बंधन से अपनी रक्षा करने के उपलक्ष में हम ये रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। विकारी भाव से अपनी रक्षा हो, मूल रक्षा तो वो है क्या? संसार से अपनी रक्षा हो, कर्म बंधन से रक्षा हो, बंध से रक्षा का नाम रक्षाबंधन है।
क्या हुआ था इस दिन। अब इसमें क्या है कि बिल्कुल एक पूरी स्टोरी है, और वो जो स्टोरी अपने आए वो योग से, वही हिंदुओं में भी लगभग उसी का एक वर्जन उनका है, अपनी उन्होंने लिए, उन्होंने अपने लिए जो भी, अपन ने उनके लिए, उन्होंने अपने लिए जो भी है, नाम भी लगभग वही है। उनके विष्णु ने बामनिये का रूप बनाया, अपने विष्णु कुमार मुनिराज ने बनाया, और नाम भी बाली है और ये भी बाली है, लगभग नाम भी मिलते हैं। इनके जो कथा अपने प्रचलित है वो कथा का थोड़ा सा परिचय देता हूँ, क्या हुआ था। लगभग मेरे ख्याल से बहुत लोगों को तो पता होगा, पता है थोड़ी बहुत। ये श्री वर्मा नाम के राजा थे, उनके बलि आदि चार मंत्री थे, और एक बार उस नगरी में 700 मुनिराजों का संघ आया। अकंपनाचार्य उसके नायक थे, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज का संघ उस नगरी में आया। मेरे ख्याल से उस नगरी का नाम अवंती का उज्जैन था। अब क्या हुआ कि सारे लोग दर्शनों के लिए गए मुनिराज, राजा भी मंत्रियों सहित गया। तो आचार्य को पता था कि ये जो मंत्री है ये जैन धर्म के अनुकूल नहीं है, ये जैन धर्म के विरोधी है। तो उन्होंने सबको समझा दिया कि इनके सामने कोई कुछ नहीं बोले, बिल्कुल मौन रहना। वो आए दर्शन करने और कुछ नहीं मुनिराज, कुछ नहीं। तो मंत्री और राजा को भड़काना चाहा, तो ठूठ जैसे आशीर्वाद नहीं दे रहे। एक बात बोले, ये जो मूर्ख होते ना, तो मौनम मूर्खस्य लक्षणम, मौन जो है वो मूर्खता का लक्षण है। सब मूर्ख है ये सबके सब, इसलिए कुछ नहीं बोल, अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बोल। तो भी उन्होंने कोई उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, सब चुपचाप और जा रहे थे। राजा तो चला गया, राजा के साथ ही जा रहे थे वो, तो मतलब उधर तो मुनिराजों ने, 700 मुनिराजों ने, तो उनके साथ में कोई किसी प्रकार का कोई मतलब कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कुछ नहीं बोले उनके साथ। जब ये जा रहे थे राजा के साथ चारों मंत्री, तो एक मुनिराज जो आहार के लिए नगर में गए थे या किसी कारणवश नगर में गए थे, वो लौट के आ रहे थे, और उनको ये आज्ञा का भी पता था कि हमें मौन रहना। तो वो उन्होंने देखा मंत्रियों ने, और अपनी आदत के अनुसार उन्होंने बोलना चालू किया। एक बेल सामने से चला आ रहा है, मुनिराज को थोड़ा विकल्प आया कौन है बेल, और फिर उन्होंने बस उनको बात में उलझाना था, उनके साथ बात विवाद चालू कर दिया। तो मुनिराज तो मुनिराज, उन्होंने अपनी युक्तियों द्वारा उनका खंडन कर दिया, क्षण भर में प्रत्युत्तर देने में असमर्थ हो गए। राजा के सामने चारों की हार हुई, जब हार हुई तो उस समय तो कुछ नहीं बोल सके, राजा के सामने क्या बोला, न्याय नीति से चलना पड़ता है राजा के सामने, तो न्याय नीति से तो अपनी हार हो चुकी है। तो मन में क्रोध को दबा के घर आ गया। रात को मिले चारों, तो क्या करना अपने को, इन्होंने अपने को जो किया है अपने साथ इसका बदला तो अपने को अवश्य लेना, अपने आगे मंत्री इतने बड़े लोग कौन होते कौन है, क्या कर रहे। ऑफिसर आदमी तो ऑफिसर ही था ना, हिंदुस्तान के ऑफिसर को देख के समझ सकते हैं उनके लिए भी कैसे हो। तो मंत्री लोग, तो उन्होंने कहा कि इनको अपन जान से मारे तो मारे कौन, क्या वो मारे क्यों मारे कौन मारे। इधर क्या हुआ, वो जब आए संघ में मुनिराज, तो उन्होंने अपनी सारी घटना का निवेदन आचार्य परिनिष्ठी को किया। सब ऐसी एक घटना आज घटी है, वो रास्ते में आ रहे थे और उन्होंने मुझसे कुछ कहा तो रहा नहीं गया, और मैंने उनको वाद विवाद के द्वारा परास्त कर, तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं हुआ, ये काम ठीक नहीं हुआ, और इसके निमित्त से संघ पे भयंकर विपत्ति आई। तुम्हें काम करो, जहाँ वाद विवाद हुआ था उसी रास्ते पे जाके खड़े हो जाओ, ध्यानस्थ जाओ, संघ पे विपत्ति नहीं आई, जो आपकी आज्ञा फिर चले गए।
वहीं उसकी स्थान पर जाके खड़े हो गए सर्व में रात के लिए। ये चारों मारने के लिए निकले उसी स्थान पे आए और आते ही उनको देखा ये यही मिल गए, अब इसका काम तमाम कर दो। तो अब कौन मारे कौन, पाप भी करे तो कौन करे, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा तो उस पाप कौन भुगते, हिंदू थे ही ना। तो उन्होंने अपन चारों मिलके एक साथ ना तो चारों को बराबर लगे, कोई फंसेगा नहीं, चारों सहयोगी लेंगे अपराध में। तो चारों ने मिलके एक साथ तलवार से उनको मारना चाह, तलवार उठाई और उसी समय वन देवता ने उनको वहीं का कील दिया, ऐसा कैसे हाथ में तलवार लिए उन्नियों को मारते हुए ऐसा कैसा कील दिया। सुबह हुई सब लोग आए, उन्होंने देखा क्या कर रहे हैं, लोगों को मालूम था कल ये बात बात कर रहे थे, महाराज से भी उलझ रहे थे, आचार्य से उलझ इनकी इन्होंने किया रात को, पूरे नगर में उनकी निंदा उनकी बात सब जगह फैल गई। राजा आया, राजा ने देखा, राजा के तो सामने ही सब कुछ हुआ था, वाद विवाद हुआ था, भड़काना चाह सब किया। राजा ने कहा कि ये तो बहुत बुरा काम किया, मुनिराज को मारने की हिम्मत, इनको देश निकाल, चारों को उसी समय देश निकाल दिया। वैसे तो उसके पहले और भी है कि भाई वो वन देवता ने उनको चारों को कीलित किया और फिर आचार्य को कहा कि इनको चारों को अपन इन चारों को जो मृत्यु दंड देता हूँ बताओ। तो मुनिराज ने कहा कि नहीं ये इनको क्षमा कर दो, अपराध हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इनको क्षमा कर दिया जाए। और मुनिराज ने स्वयं ने कंपनाचार्य ने स्वयं ने उन चारों को जो है बंधन मुक्त मतलब कीलित से मुक्त करा दिया, छोड़ दिया। राजा ने कहा क्या करेंगे, मृत्यु तो देना नहीं, मृत्यु देना होता वो देती, मृत्यु तो नहीं देना, चारों को देश से बाहर निकाल। तो चारों को काला मुंह करके गधे पे गिरवा के निकाल निकल गए बाहर नगर से। अब चारों घूमते घूमते और किसी नगर में पहुंचे, नगर में पहुंचे हस्तिनापुर में पहुंचे, हस्तिनापुर में पहुंच के पता क्या है अगर राजा क्या करता है, क्या है उसकी तो उसकी क्या समस्या क्या है इसकी क्या। और ऐसे कर पड़ा कि राजा के दर्शन किए और राजा के दर्शन करके और राजा को अपनी बातों से प्रसन्न नहीं किया, अपनी योग्यता बताई, योग्यता तो थी उनमें थोड़ी बहुत जो भी मंत्री पद की होगी, तो राजा ने उनको मंत्री पद पर रख लिया और कहा कि मेरी एक समस्या है कि ये जो है ना एक पड़ोसी राजा ये बहुत आक्रमण करता है, तो यदि इसको जीत लोगे तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊँगा। तो वो पड़ोसी राजा को जीत ला युक्तियों से, तो वो जब जीत लाए तो वो राजा उससे परेशान था, पड़ोसी से आए दिन उसके ऊपर उसकी चीज़ें छीन छीन के ले जा रहा, तो बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा जो तुमको चाहिए वो ले लो मेरे से, आज मैं इतना खुश हूँ। तो उन्होंने कहा महाराज अभी कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तब मांग ले। तो अब वो उसके बाद कुछ समय बाद कंपनाचार्य आदि शास्त्र मुनिराजों का संघ उसी नगरी में, इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा अपना मंत्री पद गया, क्यों नहीं इनको कुछ भी घटना की खबर लगेगी तो अपन यहाँ नहीं रह सकते मंत्री, अब इनको ही साफ कर दो, इनको कैसे करें, राजा के रहते हुए तो हो नहीं सकता है। और वो चक्रवर्ती का पुत्र था, वो जो राजा था उनके पिताजी चक्रवर्ती थे, दीक्षा लेकर चले गए थे अपने पुत्र सहित। तो वो राजा के सामने तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर उन्होंने कहा एक तरकीब है, राजा से राज्य ले लो और राजा को राज्य से बाहर करो, फिर राज्य अपने हाथ में जाएगा, फिर जो करना होगा करें। तो उन्होंने राजा से कहा कि राजन जो अपनी वो प्रतिज्ञा थी कि मुँह मांगा आप जो देव के मिलेगा, वो प्रतिज्ञा आज हमारी पूरी कर दो, कि क्या चाहिए, कि 7 दिन के लिए राज्य। राजा ने ठीक है 7 दिन के लिए तुम बन जाओ राजा, उसमें क्या 7 दिन के बन गए। वहीं गए जहाँ मुनिराज थे, उनके चारों ओर जो है अशुचि पदार्थ गंदगी हड्डी है चर्बी है ये सब डाले और अग्नि जलाई और यज्ञ करना चालू कर दिया, नर मेद यज्ञ जो भी यज्ञ है, और उसका धुआं उठे, धुएं से मुनिराज की आंखें जलने लगी, शरीर पूरा पीड़ित होने लगा, तो सब के सब ध्यानस्थ हो गए, समाधि में लीन हो गए।
और उनकी जो पूरी प्लानिंग की गई 700 को 700 चारों तरफ से अग्नि लगा के जला दिया, मार डालने की पूरी प्लानिंग, और वो भी बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक तरीके से। अब क्या हुआ कि उसी समय एक जगह तारा, एक जो नक्षत्र था वो नक्षत्र टूटा, तो नक्षत्र टूटा तो उसको देख के एक मुनिराज के मुख से अपने आप निकला ओ, तो पास में चुन्नक जी बैठे थे, उन्होंने कहा उस समय में अहो की ध्वनि कैसे निकली आपके मुंह से, तो बोले ये जो तारा टूटना ये बताता है कि इस समय मुनिराजों के समय पर भयंकर उत्सर्ग हो रहा है, क्या हो रहा है 700 मुनिराज को उपसर्ग हो रहा है हस्तिनापुर में, क्या करा जाए, इसका उपाय क्या। तो उन्होंने कहा इसका उपाय है, अभी इस समय वर्तमान में एक विष्णु कुमार मुनिराज है, वो इस उपसर्ग को दूर कर सकते और किसी में ताकत नहीं, क्योंकि उनको विक्रिय रिद्धि प्राप्त है। तो उनके पास जाए कौन, करे कौन, सारी व्यवस्था तो करनी पड़े। तो चुल्लक जी ने कहा कि मैं अभी जाता हूँ तत्काल, उनको जाके निवेदन करता हूँ कि उपसर्ग दूर करे, और चुल्लक जी तत्काल गए और जाके उन्होंने विष्णु को वहाँ मुनिराज से कहा कि वहाँ 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, बुरा है तो हम क्या कर सकते हैं। उनका नहीं, आप उपसर्ग दूर कर सकते हो, तो कैसे उपसर्ग दूर कर सकते हैं, आपको विक्रिय रिद्धि प्राप्त है। तो उन्होंने कहा मुझे तो ज्ञान नहीं कि विक्रिय रिद्धि, उन्होंने कहा नहीं आपको रिद्धि है, ऐसा आचार्य ऐसा मुनिराज का कहना है, और आप इसकी परीक्षा करके देख लो। तो उन्होंने वहीं अपने हाथ को बढ़ा के देखा, हाथ को बढ़ा के देखा तो सचमुच हाथ बढ़ गया, तो विक्रिया है, विक्रिया से हाथ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, फैला सकते हैं, इसका मतलब विक्रिया रिद्धि तो है। उन्होंने उनसे कहा कि इस प्रकार से उत्सर्ग हो रहा है मुनिराज के ऊपर, तो अब आपको ही वो दूर करना है, जैसे भी बने वो 700 मुनिराज का उत्सर्ग आप दूर करें। अब उन्होंने कहा कि ये अपने योग्य तो अपन कर ही सकते हैं, उनके वहाँ जाके वो क्या करें, उपसर्ग दूर कैसे करें, न्याय नीति से वो उपसर्ग को दूर करने की विधि क्या। उन्होंने कहा इसके लिए मुझे मुनि वेश को छोड़ना पड़ेगा, बिना मुनि वेश, मतलब मुनि वेश धारण किए काम नहीं हो सकता, ये काम करने के लिए मुनि पद छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ जाके जो भी काम करना है ये इस पद में नहीं बने, उसको जीतना है, मतलब मूल तया तो राज्य तो उसके पास में, अब राजा से लड़ना जीतना। तो उन्होंने कहा ये इस पे वेश में संभव नहीं, तो वेश छोड़ना पड़ेगा, क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई 700 मुनिराज उत्सर्ग है ऐसा जान के वो उन्होंने वो वेश छोड़ दिया, और वेश बनाया किसका, एक छोटे से ब्राह्मण का वेश बनाया। पहले तो वो वहाँ गए, कहाँ गए, वो जो राजा था उस राजा के पास गए, जो कौन पुराना राजा था, जो असली राजा था उसके पास गए, वो उनका भाई था, वो सगा भाई, तो उन्होंने उसको उलाना दिया कि तुमने क्या किया। तो उन्होंने कहा देखो भाई मैंने इनको वचन दिया था और अब मेरे हाथ से तो बात चली गई, मेरे को भी मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ और मैं उसको वापिस नहीं कर सकता, अब जो तुमसे बन सकता हो करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो गए फिर, उन्होंने 52 का वेश धारण किया, 52 माने जिसका शरीर 52 अंगों का, छोटा सा बोने शरीर धारण करके उसका रूप धारण कर सकता है ना, विक्रिया रिद्धि से, विक्रिया रिद्धि से रूप धारण किया, विक्रिया रिद्धि से रूप धारण करके वहां गए। अब वो तो यज्ञ कर रहा था, यज्ञ में जिसको चाहिए मुंह मांगी वस्तु दे रहा था, दान कि मिच्छिक दान जैसे जो चाहिए वो ले लो, कि अपना क्या जा रहा है, अपने तो 7 उठाना है, ले जो लेना। तो वो उन्होंने वहाँ गए, उनको पूछा उन्होंने बाली मंत्रियों ने कि आप बताओ क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, हे ब्राह्मण तेरे को क्या चाहिए, जो तेरे को चाहिए वो मांग ले। तो उन्होंने कहा मेरे को केवल 3 पेड़ जमीन चाहिए, कितनी, 3। तो उन्होंने उनको कहा कि ये इतनी छोटी चीज क्या मांग रहे हो, तुम्हारा शरीर कितना बड़ा है, 3 पेड़ और जमीन में क्या होएगा क्या तुम्हारा, और कोई बड़ी चीज मांगो अच्छी, नहीं मेरे को इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पेड़ जमीन मतलब बहुत है, ठीक है, बोले वचनबद्ध हो। उन्होंने जलधार छोड़ी जो भी ब्राह्मणों की रीति होती,
जलधार छोड़ के वचनबद्ध हुए कि हम तुमको 3 गज पेड़ जो है नाप के दे देंगे, 3 पांव जाल नाप के दे देंगे। अब उन्होंने जो है पहला फेर फैलाया तो सीधे पहला फेर तो कहते हैं कि वो सीधे सुमेरु पर्वत पे रखा, दूसरा पेर फैलाया तो मानुष्योत्तर पर्वत तक गया। अब मानुष्योत्तर पर्वत तक की सीमा तो पूरी नप गई, अब बचा क्या, अब क्या करना, अब तो पूरी जमीन हो गई। और इतने में तो पूरा लोग मतलब हाहाकार करने लगा एकदम, सारा विद्याधर लोग देवलोक चारों ओर हाहाकार। अब उन्होंने तीसरा कहाँ रखना बताओ, बोले मेरी पीठ है इस पे रखो महाराज आपका जी जी। तो उन्होंने उसके पीठ पे रखी और पीठ पे रख के उसको बंधन युक्त किया, बंधन हुआ उसका जो भी बलि का, और सारे मुनिराजों को जो है जो मुनिराजों की रक्षा हुई, रक्षा हुई मैंने अब उसका कुछ रहा ही नहीं हो तो पावर गई। फिर सारे जितने भी शावक थे वो लोग आए, अग्नि बुझाई और जो भी मुनिराजों की आँखें जल गई थी, किसी के शरीर में दाह हुई थी तो उनका बराबर यथा योग्य चार किया, और घर घर पे जो है उसके योग्य जो भी भोजन था रासुक निर्दोष आहार दिया, और घर घर में मंगलाचार हुआ, क्योंकि जो इतना बड़ा उपसर्ग था वो उपसर्ग जो है आज के दिन टल। ये है इसकी मूल कहानी। तो और इसको एक्चुअल में जो मूल में मनाया गया वो केवल मुनिराज की रक्षा के निमित्त से बनाया गया, इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ है ही नहीं। कि भाई बहन की कहाँ से घुस गई है मेरे को भी नहीं पता। मूल जो पर्व है वो केवल मुनिराज की रक्षा के निमित्त है, क्योंकि अपना जैन धर्म तो वो सब परिवार से ममत्व तोड़ने को कहता है, कि युद्ध कहता है कि ये इसमें भाई बहन की रक्षा करे, इसका कोई संबंध नहीं है। ये तो क्या है, हम जैसे समाज के बीच में रहने लगे, हिंदू समाज में तो क्या है बहन बेटी का करना मैंने बहुत बड़ा धर्म माना जाता है, बेटी को कुछ देना धर्म कर रहे हैं, बहन को कुछ देना धर्म कर रहे हैं। अपने तो कुछ नहीं है ये सब चीजें, ना बहन है ना बेटी है, क्या कोई नाराज मत होना इधर वाले लोग, लेकिन वस्तु स्थिति यही है। और क्या है, अब तो ये इतना रूढ़ी वाला हो गया है ये वास्तव में, चलो कभी इसकी आवश्यकता भी हो कि वो बहन हो उसके लिए कोई योग्य उसको समझ लो सामग्री दे दी, या बहन है साधर्मी है उसको साधर्म के हिसाब से सामग्री दे दी तो समझ में भी आए, अब तो वो खुद ही समृद्ध है क्या। और फिर देना क्या है, वो तो क्या वास्तव में इतनी वो है इसमें तो कि केवल लिफाफों का आदान प्रदान होता है बस, और वो भी अब तो बहुत कम हो गया मेरे ख्याल से, अभी भी चलता है पता नहीं, लेकिन मुझे याद है कि हम लोगों को एक लिस्ट मिलती थी आज की सुबह लिस्ट, तो लिस्ट में सारे नाम लिखे रहते थे और इतना तक मेंशन रहता था कि काम कितने वाला लिफाफा कौन सा देना है, तो 3 कलर में आते थे, एक लाल वाला सबसे खतरनाक सबसे महंगा, पीला वाला सबसे सस्ता कोई दिक्कत, हरा वाला बीच वाला, ये 3 तरह के लिफाफे। और उसमें भी उसमें सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शंस होते थे कि जो लाल वाला है वहाँ से लेके क्या आना है। तो मेरे को तो ख्याल भी नहीं कि कौन क्या रिश्तेदार है, सुबह से निकलते थे घर ये राखी आगे बन जाते थे। मेरे को तो मैं एक बार वहाँ पिपली बाजार गया था तो इधर वाले घर की जगह इधर घुसी। तो आश्चर्य की बात देखो, आप उस व्यक्ति को भी पहले उन्हें भैया कौन हो क्या है, मेरे साहब राखी बनाने आया। तो अंदर उन्होंने पूछा हाँ क्या आया हमको फलाना, तो बोला ना मैं समझ नहीं आया क्या किसका बोला, तो होगा कोई भी, तो उन्होंने बिठाया तिलक काढ़ा और उनको निकाल के नारियल देना चाह, मैंने कहा नहीं यहाँ नारियल नहीं, नारियल का यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ से नारियल नहीं लिया जा सकता क्योंकि यहाँ पीला वाला लिफाफा है। घर आया मैं और घर आके मैंने कहा देखो ये आज का काम अपन ने पूरा कर दिया, तो फोन आया घर में कि अब की बार तो आपके यहाँ से कोई आया ही नहीं। तो मेरे से पूछा उन्होंने कि लिफाफा कहाँ है, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया लिफाफा, ईमानदारी से कह रहा हूँ लिफाफा देखा। तो सबने प्रश्न चिन्ह लगाने चालू कर दिए, कहाँ गए थे कि इधर गए थे, सब समझाया था तुमको, मैंने कहा हाँ पिपली बाजार था एक घर का ये है और ये है, और ऊपर गए इधर से मुड़े चले गए, तो मुड़ के इधर गए, मैंने कहा इधर इधर भी तो था एक रास्ता, मैंने कहा हाँ
होना अंधेरा था, इधर तो चले गए। अरे यही गड़बड़ हो गई बेटा, अब क्या करें, अब वो तो गया उसको। क्या ना बनाने वाले को मालूम है कि वो किससे बना रहा है, और ना बांधने वाले को मालूम है कि वो किसको बांध रहा है। चल रही है, मेरे को खुद को नहीं पता आज तक कि उनसे क्या रिश्तेदारी, अभी भी चल रही हो तो पता नहीं क्या, अभी भी कोई जाता हो घर से कोई, मैंने तो छोड़ छोड़ा दिया है, बाकी वो चलती रहती। हमारे दादी जी थे और वो उनके भी कोई दादी जी के भी कोई रिश्तेदार थे, उसकी चलती थी चलती थी। और वो दादी जी से उनके घर में वाले बंदा नहीं आते थे, पहले इधर से जाता था लिफाफा, फिर उनके घर से भी लोग आते थे, फिर वो आते थे, फिर बांधते थे, फिर दादी जी उनसे यही पूछते थे यहाँ तक कि पिछली बार कितना दिया था। पूरी मतलब वो इस तरह की स्त्री देखी कि वो सारी इतनी मतलब इतनी हीन वृत्ति, तो मैंने कहा ये काय का पर्व है ना, क्या है ये सब, ये मतलब ये तो धन का आदान प्रदान के अलावा क्या है, वो क्या कितना लेना है, किसको कितना देना है, किसका मिठाई खाना है, किसका नहीं खाना है, क्या खाना, और कौन मिठाई कौन आया है तो किसकी मिठाई छिपाना करना, मतलब बिल्कुल जो हीन लोगों की वृत्ति होती है ना, ये बिल्कुल एकदम छोटी लोगों की वृत्ति है। ये इतना महान पर्व है, तो मुनिराजों की रक्षा हुई, 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग था, और वो पर्व तो गया एक तरफ, और हम इसको जो है पैसे के लिफाफे के आदान प्रदान के रूप में मनाने लगे। 700 मुनिराज का समय था, ये विशुद्ध धार्मिक पर्व है सचमुच, इसके अंदर 1% भी कहीं कोई सामाजिकता या पारिवारिकता है ही नहीं, और बहुत ज़्यादा हो तो साधन भी के नाते उसका भी उपकार किया जा सकता है, और वो भी यदि उसको आवश्यकता हो तो, आवश्यकता ही नहीं है जिसको, उसको क्या फर्क पड़ना उसमें, समुद्र में एकाध बूंद अपनी चली गई तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो समुद्र भरा पड़ा क्या, किसी को योग्य हो कि हाँ चलो समझ में आए, उसको आवश्यकता हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो, साधर्मी है धर्म के नाते, धर्म में लगी रहे, क्या मोक्ष मार्ग में लगी रहे, उस प्रयोजन से उसका उपकार करना और किसी प्रकार से उपकार करना हो तो योग्य है, लेकिन साधर्मी नहीं समझ के अपनी बहन का, और ये मेरी बहन है और भले धर्म में लगे नहीं लगे, तो वो कहते हैं कि वो कोई उपकार नहीं है वास्तव में, क्योंकि उपकार मोक्ष मार्ग की बुद्धि से किया जाता है। वो जो 700 मुनिराज का उपकार किया था, जो भी आहार दान दिया था, वो धर्म के निमित्त से किया था। अब इसमें भी क्या, इसकी कहानी है ना पूरी, इस कहानी के अंदर अपन पूछे कि सबसे बेस्ट पात्र कौन है, मीडियम पात्र कौन है, और सबसे हल्का वाला पात्र कौन है लोगों से, तो लोग बोलो तो विष्णु कुमार बेस्ट। पूजा भी होती है सुबह सुबह, तो दो की पूजा होती है, तो 700 मुनिराज की और एक विष्णु कुमार की, उसमें विष्णु कुमार की बहुत उपसर्ग दूर की आती ना, विष्णु कुमार मुनिराज पंक्ति याद नहीं आ रही मेरे को, दो लाइन है ना, अच्छा आज नहीं की होगी पूजा, कल करेंगे अपन सब, उसमें आता है क्या कि आपने उपसर्ग दूर किया, आपने उपसर्ग किया, उनकी बारंबार स्तुति करके उनकी एक अलग से पूजा बनी हुई है, 700 को एक में ही किया, 700 को एक में ही एक ही पूजा में उनको कर दिया, और एक विष्णु कुमार मुनिराज की पूरी अलग से पूजा बनी, और लोगों को बनना भी है, हर आदमी तो अपने विष्णु कुमार बनना है, क्या उपसर्ग दूर करना है, धर्म पे आए हुए संकट को दूर करना है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो विष्णु कुमार मुनिराज का कृतित्व सबसे आखिरी वाला था, सबसे उत्तम जो इसमें कार्य था वो 700 मुनिराज का था, कोई उत्तर नहीं दिया, नो रिएक्शन, उन्होंने मारना उपसर्ग किया तो कोई बात नहीं, अपने ध्यान अवस्था में लीन, अपने ध्यानस्थ कुछ नहीं उसका, ये तो खुद ही अपना उपसर्ग दूर कर लेते ना, वो उनको वो आए उपसर्ग दूर करने, वो स्वयं नहीं कर सकते थे क्या, स्वयं भी भाग जाते वहां से, उपसर्ग दूर करने उनको करना क्या था, उनके लिए तो कोई कार्य नहीं था ना, लेकिन उन्होंने अपनी आत्म साधना नहीं छोड़ी, और विष्णु कुमार मुनिराज को अपनी आत्म साधना छोड़नी पड़ी, मुनिपद छोड़ना पड़ा, तो मुनिपद छोड़ना कोई अच्छा काम नहीं है, ये तो सबसे जघन्य कार्य है क्या, तो वो जो सबसे हल्का वाला काम था वो सबसे बेस्ट हो गया आज का, उन्होंने उपसर्ग दूर किया, उन्होंने उपसर्ग दूर किया। अरे मुनिराज की महानता इस बात में है कि वो इस किसी प्रपंच में ही नहीं फंसे, इसमें उनकी महानता है, वो अपने आत्म ध्यान में लीन रहे, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहे, ये उनकी महानता है, तो महानता तो उन 700 मुनिराज की थी, और यदि अपराध नहीं होता मुनि पद छोड़ना, तो पुनः उन्होंने उस अपराध का प्रायश्चित लिया आचार्य परमेश्वर के समक्ष जाके, उस दोष का प्रायश्चित लिया और पुनः मुनि पद अंगीकार किया,
तो मुनि पर अंगीकार करके यद्यपि वो उसी भाव से मोक्ष गए, लेकिन जो काम किया वो अच्छा नहीं था उस समय की। यदि वो मुनि पर छोड़ के और कदाचित मरण हो तो वो गति अच्छी नहीं होती जैसी कि मुनि अवस्था में गति होती। तो यद्यपि उन्होंने पर कल्याण की दृष्टि से काम किया, अच्छा काम था, लेकिन उसमें उनका स्वयं का हित हुआ, स्वयं का हित नहीं हुआ, गोस्ताम नीचे आएगा। दूसरे नंबर पे है बीच के शुद्ध सागर मुनिराज, लोगों को भी बहुत अच्छा लगता, क्या हराया उन्होंने उनको। अब हराया, लेकिन वो हराने के चक्कर में इतना बड़ा अवसर गया। दुष्टों से कतई उलझना ठीक नहीं, क्या, क्योंकि दुष्टों को समझाना, उनकी कषाय बढ़ाना, समझना तो है नहीं। जो समझने के लिए आया उसको समझाया जाता है कि जो समझाने आया उसको समझाया जाता है? समझाया किसको जाता है? समझने आया उसको समझा सकते, अदरवाइज तो ये नीति का वाक्य उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न प्रशांति पय पान भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम। संस्कृत में पढ़ी होगी ना आपने सुक्ति, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांति। मूर्खों के लिए उपदेश उनके गुस्से को शांत करने का कारण नहीं होता, जिस प्रकार की पय पान भुजंगा नाम मैंने सांप को दूध का पान केवलम विश्ववर्धनम केवल जहर बढ़ाने के लिए होता है। कभी कभी भी ऐसा लगे सामने वाला कि उलझने आया है, चुप चाप, समझने आया एक अलग बात है, लेकिन उसे जानकर उलझने ही आया, किसी ने किसी चीज में फंसाने आया हो तो अपन उसको क्या समझाएंगे। मतलब तो समझने की समझने के विचार से उस इरादे से ही नहीं आया है, वो तो समझाने के इरादे से आया है, तो वो कभी समझ नहीं सकता। पहले आदमी की खुद की ऐसी बुद्धि हो, हाँ मुझे कुछ समझने को मिल सकता है, मैं समझना चाहता हूँ, तो समझाया जा सकता है क्या? बहुत मुश्किल है। अदरवाइज लोग नेताओं को बुलाते हैं ना, तो वो सोचते हैं नेता लोग यहाँ धर्म आ गया, आप कोई धर्म कर लेंगे, नहीं वो तुम्हारे सुनने का आए हैं, वो तो तुम्हारे को सुनाने आए हैं। जितनी देर बोलता था ना कोई आदमी, उतनी देर सोचते रहते अपने क्या बोल रहे हैं इसके बाद, अपने क्या बोल। जो आदमी का अगला नंबर हो वो उसके पहले वाले की सुन ही नहीं सकता कि क्या सुने, कैसे विचार उसके चित्त में, तो इतना बड़ा वजन है फिर अगले इसके बाद मुझे बोलना, और वो क्या बोलेगा। वो यदि उसको सचमुच ही धर्म समझना हो तो वो आ जाए किसी भी दिन और आके समझ ले, लेकिन वो समझने के इच्छुक ही नहीं है क्या। कई बार अपन किसी किताब बांटी अपन, वो पढ़ना चाहे तो किताब काम की, जो उसके घर में जाके लगती रही क्या होगा, पात्र तो होना योग्य पात्र। तो शुद्ध सागर मुनिराज का एक कृत्य जी यद्यपि योग्य नहीं था, एक तो किसी से भी चलते फिरते उलझना ठीक नहीं है, जा रहे हैं तो बोल दिया। मैंने शुद्ध के सागर को इतना विवेक तो होना ही चाहिए कि किससे बात करनी और किससे बात नहीं करनी, किससे उलझना और किससे नहीं उलझना। क्या शुद्ध के सागर, उनका नाम ही शुद्ध सागर था, मैंने जिनवाणी के सागर थे, तो इतनी क्षमा तो होनी चाहिए ना, और इतनी बात तो पता ही होनी चाहिए कि दुष्टों से उलझना ठीक नहीं, और इसलिए उनके लिए प्रायश्चित भी दिया वैसे वहीं जाके खड़े हो जा समझ ना। और अकम्पनाचार्य आदि शास्त्र मुनिराज तो सबसे सर्वोत्कृष्ट काम मौनम, अपने आत्म ध्यान में लीन रहे। तो यही है तीन तरह के रोल है ये। क्या अब अपन इसमें देख लो कि अपने को सबसे अच्छा कौन सा लगता है। तो अकम्पनाचार्य आदि शास्त्र मुनिराज तो बिचारे लगते, बिचारे उनकी रक्षा। वो बिचारे थे कि वो सिंह की वृत्ति के थे, और सिंह वृत्ति के वो थे, और विष्णु कुमार मुनिराज का विकल्प आया, विकल्प के चक्कर में उनको मुनि लिंग छेदना पड़ा। मैंने बात ये है पूरी कहानी का ये। अब अपन किस तरह से मनाते देख लो, अभी ये पद्धति चलती है अपने मंदिरों में, रक्षाबंधन मानना मंदिर में जो उसके दरवाजे पे, ठीक है, कम से कम अपन ने उसके प्रतीक रूप में देवशास्त्र गुरु के आयतन को ही बांधा, क्योंकि ये भी नव देवता है ना, नव देवता है कि नहीं है, नव देवता मानो कौन कौन से, पंच परमेष्टी, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य आदि, ये नौ देवता है। वो नौ ग्रह वाले नहीं, नौ देवता अलग है, वो नौ अलग चीज है, ये नौ अलग है, ये नौ देवता है। नौ देवता पूजा भी बहुत अच्छी, नौ देवताओं की जगत में जो सदा अर्चा करे,
सिद्धि मांगने के लिए, तो वो नौ देवता अलग चीज है बिल्कुल एकदम। तो इसलिए नौ देवता के रूप में अपन ने एक कर, कोई दिक्कत नहीं, तो योग ही है, बाकी इसके अलावा और कोई इसका संबंध नहीं। और फिर दूसरी बात कि मुनिराज को आहार दान कराया था कि हमने खुद ने उस दिन आहार दान किया था क्या? जैसे अक्षय तृतीया के साथ में हमने तो मुनिराज को गन्ने का रस का आहार दिया था ना, कि हमने खुद नहीं पिया था उस दिन। किस उपलक्ष्य मनाते अपन अक्षय तृतीया? देने की। और अपन करते क्या है उस दिन? खुद पीते हैं आराम से। ऐसी स्थिति इसमें भी आहार हम स्वयं ही अपने आप को करा रहे हैं, आहार मुनिराज का करा रहे हैं, तो खुद ही मिठाई बना बना के खा रहा है आराम से रक्षाबंधन के नाम। वो तो वास्तव में त्याग का पर्व है, संयम का पर्व है। अपने जितने पर्व होते हैं वो सारे संयम और त्याग के पर्व होते हैं, अपने भोग के पर्व तो ही नहीं होते हैं। जैसे वहां 56 भोग लग रहे हैं तो अपने भी भोग लगा लो, क्या मटकी फोड़ हो रही थी, यहां भी कुछ फोड़ फोड़ा दो। अपना ये चक्कर ही नहीं है, ना कोई खेलकूद है इसके अंदर, ना कोई मनोरंजन है, और ना कोई किसी प्रकार का भोगोपभोग है, और ना किसी प्रकार का खाना पीना है। ये तो विशुद्ध आध्यात्मिक पर्व है, इसका पूरा धर्म से संबंध है। त्याग तपस्या संयम का पर्व है, ज्ञान ध्यान का पर्व है, और ज्ञान ध्यान इस दिन छूट जाता। देख लो सब, अभी इस समय क्या कर रहे होंगे? कोई ज्ञान ध्यान तो ही कर रहे हैं सब, ये सब लिफाफे गिन रहे होंगे कोई, तो कितनी की इनकम हुई है इस बार, महंगाई बढ़ गई तो पिछले साल से कितना % ग्रोथ हुई, क्या किसने क्या दिया और किसने क्या नहीं दिया, राग द्वेष की और वृत्ति और एक तरह क्या। ये घटना कब की थी, कौन से काल? ये जो है ये घटना घटी है शांतिनाथ भगवान के काल में, उसके बाद हुए थे। चक्रवर्ती के पुत्र थे इनके नाम, इनके जो विष्णु कुमार मुनिराज थे इनके पिता चक्रवर्ती थे, और वो चक्रवर्ती के साथ में दीक्षित हुए थे, अपने पिताजी के साथ दीक्षित हुए थे, और इनके जो छोटे भाई थे उनको इन्होंने राज्य दिया था। वो उसको राज्य देके दोनों पिता पुत्र दीक्षित हो गए, और पिताजी तो मोक्ष चले गए, ये विष्णु कुमार मुनिराज बचे थे। तो फिर इनको विक्रिया रिद्धि थी तो इसलिए इनको निवेदन किया, और जिन मुनिराज को ज्ञान हुआ था वो भी निमित्त ज्ञानी थे। निमित्त ज्ञानी मैंने तारे के टूटने से उन्होंने उसका ज्ञान कर लिया कि ये इसका क्या फल है। अष्टांग निमित्त ज्ञानी होते हैं ना, 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान होते हैं, शांतिनाथ भगवान के काल की घटना है। मतलब आज से लगभग कितने साल हो गए, असंख्यात वर्ष हो गए इस घटना को, लेकिन आज भी इस उपलक्ष्य में मना रहे हैं। इतना जरूर है कि मनाने का तरीका बदल गया, लेकिन पर्व जो है आज भी मनाया जाता है। और हस्तिनापुर तो आज भी यही थे ना, जहाँ पे वहाँ हस्तिनापुर में घटना घटी थी, बहुत बड़ा राज्य था वहाँ, ऐसे घटना घटी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? अपन तो अपने संसार बंधनों से अपनी रक्षा हो इसका विचार करें, इसके उपलक्षण पर मनाएं कि अपनी कैसे संसार बंधनों से रक्षा हो। विष्णु कुमार मुनिराज एवं अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों को आदर्श बनाएं। आदर्श मतलब जैसा जीवन उन्होंने जिया, जिस प्रकार से कठोर उपसर्ग आने पर भी वे आत्मज्ञान से च्युत नहीं हुए, ठीक उसी प्रकार का जीवन हमारा होए। इस तरह की प्रेरणा यदि अपन ले हुए तो वास्तव में रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक, और खा के खेल के लिफाफे इधर उधर करके बनाया तो वास्तव में तो एक पर्व और चला। ठीक है, तो अपन इस तरह से मनाएंगे, मैंने अपन ज्ञान ध्यान रूप में मनाएंगे। पूजा करनी है पूजन करो, विष्णु कुमार मुनिराज की भी करो, कोई बात नहीं, अंत में मोक्ष ही गए। शास्त्र मुनिराज में भी यथा योग की स्वर्ण मोक्ष गए, तो वो भी उनकी पूजा भी हो गई। और जो है जो काम उन्होंने किया, मैंने क्या किया, उन्होंने ज्ञान ध्यान तप का काम किया ना, तो ज्ञान ध्यान कर उनकी कथा पढ़ ले, कम से कम कल के दिन कथा पढ़ लेना, पूरी कथा है रक्षाबंधन की, सलूना पर्व की कथा आती है तो कथा पढ़े, अथवा जिनवाणी का स्वाध्याय करे, संयम से रहे, एकासन करे, जो भी है नियम पूर्वक लेवे, नियम पूर्वक भोजन करे,
तो वो बिल्कुल बराबर है। और संयम से नहीं रखे, असंयम पूर्वक मनाए और ज्ञान ध्यान तब का कोई काम नहीं, जिनवाणी खोलने का काम ही नहीं, सुबह से निकले और शाम तक। ये धर्म पर्वों की हंसी है। क्या देखो, एक बात है कि अन्य क्षेत्र कृतम पापों धर्म क्षेत्र विनश्य, धर्म क्षेत्र कृतम पापों का जो देखो भविष्य, ऐसे पर्वों की भी स्थिति है। मैंने अन्य काले कृतम पापम धर्म काले विनश्यति और धर्म काले कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। ये धर्म पर्व है, धर्म पर्व जैसा मने ना, धर्म पर्व को भी कर्म पर्व मना लेंगे तो फिर कर्म से कब छूटेंगे? एक चीज तो छोड़ो कहते ना, वो डाकन होती ना, वो भी एक घर छोड़ देती है, तो कम से कम धार्मिक पर्वों को छोड़ दो। बाकी जो करना हो आप बाकी तीन सब जितने दिन मिले अपने को वो मिले ही हैं, विषय भोग के लिए वो सब दिन। ये दिन तो वास्तव में अपने को उनकी याद दिलाने के लिए मिला है कि मुद्रा में कैसी आत्मसाधना है, उसी तरह से मनना चाहिए। और भी जो अपने धार्मिक पर्व है ये सारे मनना तो उसी तरह से चाहिए। ये केवल 10 लक्षण ऐसा बचा है जो बहुत कुछ सुरक्षित है। शुद्ध पंचमी पर्व भी सुरक्षित है, 10 लक्षण शुद्ध पंचमी अष्टांग का, बाकी तो अपने पर्वों की जो स्थिति है अपन सब देख रहे हैं। दीपावली है, चाय की ये अक्षय तृतीया है, महावीर जयंती है, इनकी हमने जो दुर्दशा की वो अपने से छिपी, रक्षाबंधन है, योग की रीति से मना है इतनी बात देखे पास।